सिवनी जिले में हुए गौवंश हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें सिवनी जिले के 15 और नागपुर से 7 आरोपी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवागत एसपी सुनील मेहता ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल अभी जांच जारी है और नाम आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जो 18 और 19 की दरमियानी रात को गोवंश वध की घटना हुई थी सिवनी जिले में, विभिन्न स्थानों पर गोवंश के मृत शरीर मिले थे। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। टोटल इसमें शुरुआती दौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पुलिस के द्वारा 7 आरोपियों को पकड़ा गया था और उसमें से 5 का एनएसएबी किया गया है। उसके बाद में 15 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है और इसमें सभी आरोपी अभी वर्तमान में गिरफ्तार हो चुके हैं। विवेचना भी जारी है, विवेचना में अगर और कोई भी नाम सामने आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।